मिर्जापुर, यहाँ तीन किस्म के लोग राज करते हैं। पहले वो जो दिमाग और शरीर से मजबूत हों, दूसरे जिनके कंट्रोल में मिर्जापुर की गन्स हों, और तीसरे हमारा परिचय तो जानते ही हैं आप लोग, फूलचंद त्रिपाठी उर्फ मुन्ना। भैया जी एक बात कहे। हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा, फूलचंद त्रिपाठी बहुत चूतियों टाइप नाम लगता है। एकदम सही पकड़े हैं, ये दिखने में जितने ज्यादा सुंदर हैं, उतने बड़े चूतिया भी। भैया में भैया, इनको बनना है किंग ऑफ मिर्जापुर। ना तो इनके कंट्रोल में मिर्जापुर की गन है और ना ही इनके लोग। कॉलेज में गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्लासों में जा जाके छात्रों को पीटा जा रहा है, ये सब नहीं चलेगा इस कॉलेज में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो जलवे हैं मुन्ना भैया के। मुन्ना, बच्चन पांडे बोल रहे हैं। बहुत भौकाल मचा रखे हो यार तुम, सोचा एक मुलाकात हो जाए। Get together in my office. तो चलो आ जाओ जल्दी अपने वो तीन चमगादड़ लेकर, मिलते हैं वहीं। प्रिंस ऑफ मिर्जापुर। मुन्ना ये जो पावर है ना तुम्हारे पास, इसका नशा ही बहुत अलग है। और तुमको तो साले खैरात में मिल गई। और एक बात बताएं, ये जो पावर होती है ना नेताओं की तरह होती है, साली रातों रात पार्टी बदल दे कुछ पता नहीं। जैसे तुम्हारे घर में हुआ। हमारे लिए काम करोगे? देखो, बैंक की नौकरी करके दूसरों का पैसा गिनोगे, हमारी नौकरी करके खुद का रुपया। पांच मिनट देते हैं, सोच लो। तुमको लगता है कि तुम्हारी लाइफ लूडो की तरह है, फेंका हमेशा छह आएगा। लेकिन तुम्हारे तो लूडो की स्पेलिंग ही गलत है। चलिए अच्छा ही है। गुड्डू बबलू आए थे अभी। हाँ अभी मिलेगा। सुना है कालीन भैया को ज्वाइन कर लिया है। आपका इतना टेंशन ले रहे हैं? नहीं नहीं, टेंशन नहीं ले रहे मुन्ना, सिर्फ सोच रहे हैं कि कालीन भैया की एक ही औलाद, और वो भी हम तो सिर्फ तुम्हारे सपने के बारे में सोच रहे थे। क्या बोले थे तुम? कालीन भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। तो भोंसड़ी के हम हुए प्रिंस। किंग बनना है तुमको, मिर्जापुर रन करना है। कैसे करो? दिन भर आवारा गर्दी करना। हाँ बोलो बे। शाबाश। नशा करना, कभी भी किसी लड़की को रोक लेना। तुम्हें बोले हैं ना कम बोला करो, देंगे वरना एक रैपर। हावी है तुम्हारी। तुमको समझ में नहीं आता है मुन्ना? नहीं सुटी, हम सॉरी। हमारी तरफ से ना है। बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम मुन्ना। अरे हम जस्ट बता रहे हैं तुमको, वो क्या है कि तुम्हारा जैसा करेक्टर है ना मुन्ना,
कालीन भैया प्यार से तुम्हें पता है क्या बोलते हैं? हम तुम्हारे बारे में यही सोचते हैं। तो सोचिए जो सोचना। अमा चूतिया हो मुन्ना तुम, ये सोचते हैं हम। और हम क्या, पूरा मिर्जापुर यही सोचता है। और एक बात बताएं, जो नशा करके अपने दिमाग में धुआं भर लियो ना, उससे तुम्हारी बुद्धि चलना बंद हो गई है। बाप तुम्हारे मिर्जापुर रन कर रहे हैं और तुम उनकी इज्जत को मट्टी में मिला रहे। जानते हो कालीन भैया तुम्हारे लिए टेस्ट मैच के जैसे टीम बना रहे हैं, लंबी पारी लंबी रेस के घोड़े, और साले तुम लगा रहे उनके। अबे तुम्हारे बारे में दूर का सोच रहे हैं, और तुम तो साले 2020 मैच में चीयर गर्ल्स की जांघों में फंसे बैठे हो यार। ऐसे चलाओगे मिर्जापुर? बाप को मरवाने का दाव तो तुम पर उल्टा पड़ गया। हम तो सुने थे बहुत वफादार दोस्त हैं तुम्हारे। वफादार तो बहुत रहे हैं ये हमारे। मुन्ना तुम बच्चे हो, ये बंदूकें छोड़कर रिमोट थाम लो अपने हाथ में। अच्छा एक बात बताओ यार मुन्ना, ये स्वीटी तुम्हारा लव है, ये तुम साले अपने आप ही डिसाइड कर लिए? स्वीटी लव है हमारा, स्वीटी आपका लव होंगी, स्वीटी के लव हम हैं। स्वीटी के लव कौन है जानते हो ना? और वैसे यार भाभी जी का रोमांस करने का हिसाब ही बहुत अलग है। को लव तुम्हारे घर में मिल सकता है मुन्ना, बस कोई लेने वाला होना चाहिए। मुन्ना लेकिन आप रिश्ते के चक्कर में हमें मां मत कह दीजिएगा। कैसा महक रहा है? गुलाब का इत्र है, यहां भी लगा। हाँ मां। अरे आप बीच में पानी चालू कर दिए, यहाँ मीटिंग चल रही है। चलिए रखिए। वो क्या है ना मुन्ना, नीचे पानी की टंकी है, जब मन करता है पी लेते हैं और जब मन करता है डुबा भी देते हैं। और एक बात बताओ, अगर किसी के घर जाते हैं तो फल फ्रूट लेके जाते हैं, तुम तो साले डायरेक्ट बंदूक लेके अंदर घुस गए। कहाँ यहाँ है? क्या बोले थे गुड्डू के पापा को? हम तो एक हंगल सोच के आए थे, आप तो बहन चोद बच्चन निकले। बच्चन का तो पता नहीं मुन्ना, लेकिन इस बार बाप बन के आ रहे हैं। क्योंकि जो खेल तुम खेले हो ना मुन्ना, उसको खत्म करने का टाइम आ गया है। क्योंकि कालीन भैया मिर्जापुर के राजा तो है नहीं जो गद्दी पे चढ़ के अपनी प्रजा संभालें। प्रजा संभालने के लिए पुलिस प्रशासन है। और एक बात बताएं, जो सपना तुम देख रहे हो ना कि गद्दी पे चढ़ के नियम बदल सकते हो, तो भूल जाओ। क्योंकि बेटा गद्दी जो होती है वो होती है साइकिल पे, और जिस दिन इस गद्दी को उखाड़ के फेंक दिए तो उसके नीचे का बंबू तुम्हारे पिछवाड़े में होगा। और वैसे भी अब तो गुड्डू भैया आ ही रहे हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है तुमको जान से मारना। बैंड बज गया। चलिए खड़े होइए, अब हमारे स्नान का टाइम हो गया है, पानी भी आ रहा है। ठीक है मार्ट साहब, करते हैं मुलाकात। चलिए अभी चलते हैं। वैसे चश्मा लगा के तुम एकदम चूतिया लगते हो, लेकिन चश्मा अच्छा है तुम्हारा, ट्राई करेंगे हम भी लेने के लिए। बचपन से पहन रहा है। गुड्डू भैया बस आपका ही इंतजार है, आ जाइए मिलकर लड़ेंगे।
हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स फॉर माय लास्ट टू वीडियोस जहां पे मेरे को 15 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले और 50,000 नए सब्सक्राइबर आए एंड 1,20,000 से ज़्यादा लाइक विद इन 7 days. सो दिस इज़ बिग अचीवमेंट फॉर मी. सो दिस इज़ माई थर्ड वीडियो. इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. और जैसे ही ये मिर्ज़ापुर की सीरीज़ है, इससे बेहतरीन और ज़्यादा अच्छी अच्छी सीरीज़ को मैं लाने की कोशिश करूँगा इस नए फॉर्मेट में. सो मेरे को पता है कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आने वाला है. सो मिलते हैं जल्दी से एक और नए कंटेंट के साथ. बाय बाय, टेक केयर.